हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है? गोवा। किस देश द्वारा कालरा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट विकसित किया गया है? अमेरिका। हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? टीएचडीसी और नेपको NEPCO। हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद दोनों को। हाल ही में किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस को 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट को लॉन्च किया है? अमेरिका। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी ने लॉकडाउन के समय छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आइजेक को लॉन्च किया है? आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में किस अभिनेत्री ने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? शिल्पा शेट्टी। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कोरोना कवच। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी की महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% तक कर दिया है? राजस्थान सरकार ने। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन नमस्ते। हाल ही में किस बैंक ने कोरोना वायरस संकट के बीच सभी तरह के कर्ज ब्याज की में छूट देने की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक। आउट ऑफ कंपटीशन डोप टेस्ट में फेल होने पर शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकरा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल का। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का हल्के लक्षण के बाद कोरोना वायरस के पॉजिटिव आया है? ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापार, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य क्षेत्र में हुए सहमति पर पत्र को मंजूरी दी है? जर्मनी। आरबीआई ने अधिसूचना जारी करते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय करके कितने बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है? 4 बैंक। 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? अमेरिका। सेविंग अकाउंट यूजर को अकाउंट से संबंधित जानकारी देने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है? ICICI बैंक। इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? कार्तिक आर्यन। भारत के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए किसने घोषणा की है? इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। अमेरिका की किस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 मिनट में कोरोना वायरस की जांच करने वाली मशीन बनाई है? एबॉट। कोरोना वायरस से आर्थिक नुकसान को लेकर परेशान होकर किस देश ने वित्तीय थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? जर्मनी। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 के खतरे के बावजूद भारत में LPG गैस की कमी न होने देने की घोषणा की है? सऊदी अरब। हाल ही में भारत में डॉक्टरों की किस हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टेक्ट लॉन्च किया गया है? एम्स। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए किस टेनिस खिलाड़ी ने 1.25 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है? सानिया मिर्जा। निम्न में से किस बैंक ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में $10 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? एशियाई बैंक। हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत में लागू 21 दिन का लॉकडाउन को बढ़ाने की योजना नहीं है? केंद्र सरकार। हॉकी में दुनिया के 67 खिलाड़ी में 100 से अधिक गोल करने वाले सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? सोहेल अब्बास। भारत की किस राज्य सरकार ने ई पास के लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? झारखंड सरकार। कोविड-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किसने बीमा योजना की घोषणा की है? केंद्र सरकार। 50 लाख बीमा योजना है, बीमा योजना का राशि जो है वो 50 लाख है।
हाल ही में किसने केंद्र सरकार से गरीबों का पलायन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट। निम्न में से मूर्ख दिवस फुल डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए 4 परमाणु प्रतिबंधों को कब तक के लिए रिन्यू किया है? 60 दिनों तक। हाल ही में IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान। इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टर को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है? राजस्थान सरकार। केंद्र सरकार को किसने 24 घंटे में कोरोना वायरस संबंधित फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और RC भी कब तक वैध करने की घोषणा की है? 30 जून। निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत वैश्विक मंदी से बच सकता है? UNCTAD। निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत वैश्विक मंदी से बच सकता है? UNCTAD। भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास 51 शक्तिपीठों की प्राकृतिक वाला दुनिया का पहला मंदिर बनाया जाएगा? त्रिपुरा। हाल ही में किस देश ने COVID-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है? भारत। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड में दिए गए योगदान पर कितने प्रतिशत कर की छूट के लिए अध्यादेश पारित किया है? 100%। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत और पूर्वी एशिया में कितने मिलियन लोग गरीबी में प्रवेश कर सकते हैं? 11 मिलियन। हाल ही में किस देश ने सनराइज मिशन की घोषणा की? अमेरिका। भारत के कई हिस्से में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किसने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय। CSIRO के वैज्ञानिकों किस देश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 2 वैक्सीन का प्रशिक्षण करने की शुरुआत की है? ऑस्ट्रेलिया। चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटेंगल अस्पताल बनाया है? लंदन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 1 बिलियन। कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। धन्यवाद।